वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएं। यहाँ दोस्तों सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएं आज की वीडियो में यही सारा चीज सीखने वाले जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सोनू सम्राट, आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑनलाइन शो। दोस्तों चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएं, यूट्यूब सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएं। तो क्या होता है इस जब भी हम अगर यूट्यूब सब्सक्राइब हमारे बनाने के फायदे क्या है, उसका कारण ये है कि हम जब भी जैसे कि आपके जो यूट्यूब चैनल का URL होता है या फिर कस्टम URL जो आपने बना रखा है उसको जब भी किसी के पास भेजते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी वीडियो उस पर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लेता है, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। लेकिन सब्सक्राइब बटन अगर आप उस लिंक के साइड मतलब लास्ट में अगर ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है जब तक वो जब भी लिंक पे क्लिक करेगा तो उस पर ऑप्शन मांगेगा कि आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए वो मांगता है। जब तक वो आपके सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तब तक वो आपकी वीडियो को नहीं देख सकता। तो ये सारी चीज़ें सब्सक्राइब बटन लगाने के इतने सारे फ़ायदे हैं कि आपका चैनल जो भी किसी के पास देखेगा, जिसके पास भी भेजोगे जो भी देखेगा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारा हो सकता है। तो आज अगर आप तो अभी नहीं पता है तो आज की वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ कि सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि अभी तक सब्सक्राइब बटन कैसे लगाना है तो ऊपर आई बटन भी दे दूंगा और देख लेना कि सब्सक्राइब बटन कैसे ऐड करना अपने URL में, ठीक है। तो आज वीडियो तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। चलते स्क्रीन की तरफ, आज कुछ नया सीखते। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको सब्सक्राइब बटन कैसे बनाना है। सब्सक्राइब तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे, आपको चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको अपना चलिए मैं आपको कहीं भी एक जगह आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड, चलिए मैं आपको गूगल खोल लेता हूँ, गूगल पे आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको जैसे कि सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है आपको टाइपिंग। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर टैप करके बताता हूँ। आपको लिखना है कि शब और सब, देखिए यहाँ सबसे ऊपर में ही हमारा जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सब कन्फर्मेशन 1, यानी कि ये आपका जो लिंक है इस तरह से आपको इसको करना है ओके, और फिर यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है तो इसको कॉपी कर लेना, आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में ये आ रहा है तो आपको फिर क्या करना है कन्फर्मेशन। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ कन्फर्मेशन। तो अभी देखिए यहाँ पे सब कन्फर्मेशन और यहाँ पे फिर क्या करना है आपको इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे करना है और 1 डाल देना है, यानी कि 1 सब्सक्राइबर। तो ये क्या है कि आप इसको अपने जो आपका URL है आप उस पर जैसे ही इसको क्लिक करेंगे URL के आगे लास्ट में आपको इसको लगाना है। जब भी आप इसको लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो कस्टमाइजेशन है वो आपको मतलब कि जो भी इस लिंक पे इसको लिंक आप जब भी इस लिंक को लगाएंगे इस सब्सक्राइबर कन्फर्मेशन का जो ये है इसको जब भी आप अपने URL के YouTube URL के लास्ट में लगाएंगे और कहीं भी इसको ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप इसको इस लिंक को जहां भी सेंड करेंगे जिसको भी सेंड करेंगे वो जब भी पहले जो पहला आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है जब भी वो आपके इस लिंक पर क्लिक करेगा तो इससे क्या होगा कि वो आपके लिंक पे क्लिक करते ही जब चैनल पे जाए चैनल खुल जाएगा। चैनल खुलने के बाद आपको वो ऑप्शन मांगेगा कि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। तो इससे क्या होगा कि आपके चैनल को वो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी जाके वीडियो आपकी देख पाएगा, अन्यथा वो आपकी वीडियो को नहीं देख पाएगा। तो इससे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब कि वंडरफुल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है कि जब भी हम किसी को लिंक सेंड करते हैं ऐसे तो वो देख लेता बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को देख लेता और फिर उसको पसंद आई तो भी ना पसंद आई तो भी वो वीडियो को देख के छोड़ देता है और सब्सक्राइब नहीं करता। लेकिन ये क्या है कि अगर उसको देखना चाहता वीडियो तो उसको बिना चैनल सब्सक्राइब करे भी वो वीडियो नहीं देख सकता हमारा।
इस लिंक को बनाने से हमें ये फ़ायदा है, और इससे क्या है, हमारे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो कैसे बनाना है, मतलब कि ये तो बता दिया, और कैसे ऐड करना है हमारे अपने यूट्यूब यूआरएल में, या फिर जो कस्टम यूआरएल है उसके लास्ट में कैसे इसको यूज करना है, कैसे लगाना है, अगर आपने अभी तक को नहीं पता है तो वो अपन को मैं आपको आई आप बटन में आई दे बटन में दूंगा, देख देख सकते हैं वीडियो को कि कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, किस कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो, कमेंट में वो भी बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।